डिब्रुगढ़ केन्द्रीय कारागार कारबंदी हुई है अमितपाल सिंह। अमितपाल सिंह लोकसभा निर्वाचन विजय सब्यस्त करिसे निर्दलीय पार्टी हिसाबे जोआ 2023 बर्ष 23 एप्रिल पंजाबर पुरा गिरफ्तार करार पाछते डिब्रुगढ़ केन्द्रीय कारागार लै अहा हैछिल अमितपाल सिंहक आरु 20 एप्रिल तेउ सहयोगी सकलक लै अहा हैछिल। बर्तमान केन्द्रीय कारागार कारबंदी हुई है अमितपाल सिंह हो तेउ नजनक सहयोगी जिखन केन्द्रीय कारागार डिब्रुगढ़ केन्द्रीय कारागार पर आमि प्रथम दिनाखनर पर प्रतिटो खबर अमितपाल सिंहक बा तेउ सहयोगी सकलक जेतिया जोआतु बर्षत लै आहिसिल तेतिया पर आमि प्रतिटो खबरे दिसिल किदरे कटकटिया निरापत्ता बेस्टनिर माजरे तीनि तरफिया निरापत्ता बेस्टनिर माजरे खालिस्तानी समर्थकसकलक खालिस्तानी अन्यतम समर्थक अमितपाल सिंहर लगते रखा है प्रतिटो खबर आम एन के टिविक दर्शक देखाई और आम जानवी और शेहतिया जैसे अमितपाल सिंह पंजाब एट समष्टिर खारूर साहिबर निर्दलियों पार्टी हिसाब सेद्वंदित कारण जी सिद्धांत ग्रहण करिधान्त ग्रहण कर पाते आम पुने पुने प्रथम बारे जी अधिवक्ता अधिवक्तार डिब्रुगढ़ आवर्तन भवन प्रथम एन के टिवि आम गोटे खबर तो लैसी और शेहतियाको जी विजय सब्यस्त करलियों पार्टी हिसाब से बर्तमान मैं डिब्रुगढ़ केन्द्रीय कारागार देखा आसो गोटे परवेश खारूर साहिब जी समि समष्टिर सर्वमुठ भोट लाभ कर 4,44,030 और 1,97,120 भोटर विभाजन विजय सब्यस्त करपरीते 24 जन प्रार्थिये प्रतिनिधित्व करें खारूर साहिब समष्टिर बर्तमान आज आम कल जी निर्वाचन रिजाल्ट दियार पाछते आम जोगाजोग करिसिलु पंजाब अधिवक्तार जी अधिवक्त गोटे आसलते केस तो हेंडल कर अमितपाल सिंह डिब्रुगढ़ उपस्थित ही विमान जुगे डिब्रुगढ़ उपस्थित हर पाछते आम जानवे चेस्ा कर राजदेव सिंह खालसा एक्स मेंबर पार्लियामेंट और एडवोकेट। अमितपाल सिंह ने खारूर साहिब से चुनाव जीता है, बहुत बड़े मार्जिन से जीता है और पंजाब में सबसे बड़ा मार्जिन है 1,98,000 वोटों का 1,98,000 मीनिंग बाई अबाउट 2 लाख। तो उनका जो था कई जो बिरसा सिंह बटोहा था अकाली दल का उसकी जमानत जब्त हो गई और भाजपा का जो उम्मीदवार था उसकी भी जमानत जब्त हो गई। नहीं मैं तो अकेले ही आया हूँ, मैं तो मेरी तो पहली मुलाकात तय थी तो पहली परमिशन ली हुई थी, आज मैं तो अकेला ही आया हूँ पंजाब से। सरकार का जो सिस्टम का जो नीति नियम है इसके बाद आप लोग यहाँ से उसको वो जाना पड़ेगा पंजाब कैसा? देखो पंजाब में तो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो भगवंत मान की जो आम पार्टी की सरकार है उसने भाई साहब पर लगाया था, मगर ये भगवंत मान की सरकार की बीजेपी से मिली पुट थी क्योंकि पंजाब में ही रख सकता था भगवंत मान इन तो NSA लगाकर, मगर क्योंकि बीजेपी की जो सेंटर की सरकार थी उन्होंने अपने असर से जो असम की बीजेपी सरकार थी उसके साथ बात करके इनको डिब्रूगढ़ में भेजने का जो है प्लानिंग बनाई थी जो भगवंत मान ने उसको मंजूरी दी। तो अब देखना है कि बीजेपी पहल करती है कि भगवंत मान सरकार पहल करती है। बीजेपी ये कह रहे थे कि 13 की 13 सीटों पे हम जीतेंगे, तो वहाँ पे 3 पे जीते, 10 सीटें हार गए और भाजपा कहती थी बहुत बड़े जो है पदर पे हम चुनाव जीतेंगे, इनका एक भी मेंबर नहीं आया तो इनका खाता भी नहीं खुला पंजाब में जो बीजेपी का है। तो ऐसी हालात में क्योंकि दोनों पार्टियों को पराजित किया गया है, बहुत बड़ी हार हुई है, इसलिए दोनों पार्टियों में क्या यदि बीजेपी फैसला करती है तो सीधा पंजाब पे देगी कि हमने इनको डिब्रूगढ़ जेल में नहीं रखना, जहाँ से रिहाई हो जाए, और यदि भगवंत मान सरकार फैसला करती है वो अमृतसर के DC से लिखाना पड़ता है कि अमन कानून की स्थिति को अब कोई खतरा नहीं है तो फिर भी रिहाई हो जाएगी। परिवार का कोई लोग आया है? नहीं मैं मेरे के साथ कोई नहीं, उनका है पर कोई बात नहीं हुई मेरी, तो मैं तो आप ही आया हूँ। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगा डिब्रुगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब ले जाने के लिए तो प्रोसेसिंग होगा? नहीं तो लेकर भी जाएंगे जहाँ पर ही रह कर देंगे तो